अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 26 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस दफा भी हम लास्ट वीक में डिसाइड किए गए मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें रेस किए गए मेजर इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची वर्सेस मोहम्मद मुस्तफा जीजी एंड 500 अदर्स सिविल पिटिशन नंबर्स 490K ऑफ 2020 एटसेट्रा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने सिविल पिटिशन के तौर पर पेश किए गए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद जुड़ी हुई सिविल पिटिशन्स का फैसला इकट्ठे सुनाया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट के उस डिसीजन को चैलेंज किया जिसमें हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट 2013 एक मनी बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता था जिसकी वजह से ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि क्या इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट 2013 एक मनी बिल था जिसे वोटिंग के लिए सेनेट ट्रांसफर करना लाजमी नहीं था। दूसरा इशू ये था कि क्या ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मनी बिल से मुख्तलिफ था और अगर ये मुख्तलिफ था तो ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस कराने का सही तरीका क्या था। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये टैक्स या टैक्सेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अगर इन टेक्निकल नुकतों पर गौर ना भी किया जाए तो एक्ट की वर्डिंग से ये टैक्स या टैक्सेशन में नहीं फॉल करता और ये एक सोशल रजिस्ट्रेशन थी जो कि गुर्बत में कमी लाने के लिए पेश की गई थी, इसीलिए ये एक्ट मनी बिल के स्कोप में फॉल नहीं करता था। क्योंकि ये एक्ट एक मनी बिल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 70 के तहत इसे दोनों हाउसेस नहीं पास करना था। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया, ये एक्ट लॉ नहीं बना था। केस के दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि मनी बिल और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन सेनेट या नेशनल असेंबली दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकती है और इस ओरिजिनेटिंग हाउस से अप्रूव होने के बाद इसे दूसरे हाउस में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अगर दूसरा हाउस चाहे तो वो इस बिल में अमेंडमेंट्स डालकर इसे ओरिजिनल हाउस में भेज सकता है। अगर ओरिजिनल हाउस ये अमेंडमेंट्स अप्रूव कर दे तो इस बिल को प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेज दिया जाता है। अलबत्त अगर ये बिल रिजेक्ट किया जाए, 90 दिन में पास ना किया जाए या इसमें अमेंडमेंट्स डालकर ओरिजिनल हाउस में ना भेजा जाए तो ओरिजिनल हाउस ये दरखास्त कर सकता है कि इसे दोनों हाउसेस एक जॉइंट सिटिंग में कंसीडर करें। जॉइंट सिटिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब आर्टिकल 70 में मेंशन किए गए पुराने सारे स्टेप्स लिए जाए और अगर जॉइंट सिटिंग में अक्सरियत इस बिल को अप्रूव करे तो इसे प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेज दिया जाता है। इन्हीं सब इश्यूज की बेसिस पर लीव टू अपील डिक्लाइन कर दी गई। मोहम्मद नदीम अगेंस्ट मोहम्मद खुर्रम इकबाल एंड अनदर। इस केस में पिटिशनर प्री अरेस्ट बेल की कैंसिलेशन सीक कर रहा था जो कि रिस्पोंडेंट को क्रिमिनल केस में पिटिशनर की कंप्लेंट पे ग्रांट हुई थी अंडर सेक्शंस 3 और 4 ऑफ द पंजाब प्रोहिबिशन मनी लेंडिंग एक्ट 2007। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने का ऑब्जेक्ट क्या था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने कहा कि प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने का ऑब्जेक्ट है इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना जो टारगेट हो रहे हैं थ्रू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन इसको एक्सरसाइज करते हुए कॉशन वारंट होना चाहिए। ये ना ही पोस्ट अरेस्ट बेल का सब्स्टिट्यूट है और ना ही हर क्रिमिनल केस में एक्सटेंड होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान Province of Punjab through Secretary Housing and Physical Planning Department, Government of Punjab Lahore and others versus Sayyid Ziaul Hassan Zaidi and others. ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिविल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट एक गवर्नमेंट अथॉरिटी थी जिन्होंने डिस्प्यूटेड लैंड को एक मखसूस स्कीम के लिए एक्वायर किया। अलबत्त बाद में एक नए प्लान के तहत इस डिस्प्यूटेड जमीन को स्कीम से निकाल दिया गया और ये जमीन एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक स्कूल तामीर करने के लिए ट्रांसफर कर दी गई। रिस्पोंडेंट्स ने जमीन के इस ट्रांसफर को एक सूट फॉर डिक्लेरेशन में चैलेंज किया लेकिन इस सूट को डिसमिस कर दिया गया। रिस्पोंडेंट्स को अपील करने की इजाजत दी गई जिसके खिलाफ अपेलेंट्स ने एक सिविल पिटिशन फाइल की जिसके रिजेक्ट होने पर यह प्रेजेंट अपील ने जन्म दिया। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि क्या लैंड एक्विजिशन के लिए ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करना लाजमी था। दूसरा ये कि क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नोटिफिकेशन इशू करने के बाद इस ज़मीन को नोटिफिकेशन में लिखे गए पर्पस के अलावा भी किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 4(1) ऑफ द पंजाब एक्विजिशन ऑफ लैंड हाउसिंग ऑर्डिनेंस 1973 में लफ्ज शैल इस्तेमाल किया गया था जो कि अपेलेंट्स पर यह लाजमी बनाता है कि वो सेक्शन 4 के तहत लैंड एक्विजिशन को हर केस में नोटिफिकेशन पब्लिश करे। नोटिफिकेशन इशू करना एक लाजमी रिक्वायरमेंट था क्योंकि लैंड के अक्वायर होने से जमीन के मालिकान की राइट्स मनफी तौर पर इफेक्ट होती है।
गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन ज़मीन से मुतलक उनकी इंटेंशन बयान करती है और नोटिफिकेशन का मकसद ये है कि तमाम इफेक्ट होने वाले लोगों को गवर्नमेंट की इंटेंशंस के बारे में खुद गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाए, इसलिए नोटिफिकेशन पब्लिश करना लाजमी है और लोगों की प्रॉपर्टी से मुतलक हकूक को महफूज करने के लिए इस एक्ट में और भी बहुत से सेफ गार्ड है। इनमें से एक सेफ गार्ड लफ्ज़ शैल का इस्तेमाल है, क्योंकि इस लफ्ज़ से नोटिफिकेशन पब्लिश करना और लोगों को गवर्नमेंट के फैसले के बारे में इन्फॉर्म करना मैंडेटरी या लाजमी हो जाता है। केस के दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्शन 4 के तहत नोटिफिकेशन इशू करने के बाद गवर्नमेंट की उस जमीन से मुतलक मंसूबा बदल जाए तो एक नई फ्रेश नोटिफिकेशन इशू करनी चाहिए या पुरानी नोटिफिकेशन के साथ एक अडेंडम इशू करना चाहिए ताकि इफेक्टेड लोग कानून में दी गई तमाम रेमेडीज अवेल कर सके। अगर एक डिपार्टमेंट किसी मखसूस मकसद के लिए लैंड अक्वायर कर भी ले तो वह सिर्फ इसे उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है जिसके लिए जमीन अक्वायर की गई हो। नूरजहां एंड अनदर अगेंस्ट सलीम शहादत। इस इंस्टेंट सिविल पिटीशन के जरिए पिटिशनर ने हाई कोर्ट की इम्प्यून जजमेंट को चैलेंज किया है, जिसमें लोअर कोर्ट्स की कंकरेंट जजमेंट्स को सेट असाइड किया गया है और रिस्पोंडेंट का सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल डिक्री हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन सवाल थे। पहला ये कि क्या टोकन रिसीट में वो सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो एसेंशियल होते हैं एक वैलिड और लॉफुली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई करवाने के लिए। दूसरा ये कि वेंडी के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं जब वेंडर सेल कंसिड्रेशन की अमाउंट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दे। और तीसरा ये कि क्या फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लेस करना नेसेसरी है और अगर वो गुम हो जाए तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने पहले सवाल पर कहा कि टोकन रिसीट में वो सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो एसेंशियल होते हैं एक वैलिड और लॉफुली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई करवाने के लिए, मसलन परचेजर और सेलर की आइडेंटिटी मालूम होना, प्रॉपर्टी की एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन या सेल परचेज करने की इंटेंशन वाजे होना। दूसरा ये कि जब वेंडर सेल कंसिड्रेशन की अमाउंट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करे तो वेंडी उसे कोर्ट में डिपॉजिट कर सकता है और साथ डेमोंस्ट्रेट करे कि वो एट ऑल रेलेवेंट टाइम्स अमाउंट पे करने को तैयार और विलिंग था। और तीसरा ये कि फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लेस करना नेसेसरी है और इन केस डॉक्यूमेंट गुम हो जाए तो उसका लॉस प्रूव करके फोटोकॉपी प्रोड्यूस करे। PLD 2022 सिंध 116 मिसेस फरियाल तालपुर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद एंड अदर्स। इस केस में मिसेस फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 15 और 199 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेश की। पिटीशनर का नाम इब्तदाई तौर पर FIA की जानिब से फेक अकाउंट्स केस में सामने आया, इसीलिए FIA के कहने पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अक्यूज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या ECL पर डाल दिया। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या पिटिशनर, जिनके खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के नीचे प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उन्हें एक दफा बाहर ट्रैवल करने की वन टाइम परमिशन मिल सकती थी। इस इशू को डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने केस के फैक्ट्स को बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2018 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने फेक अकाउंट्स केस में इन्वॉल्व लोगों के नामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये कैटेगरीज थी वो लोग जिनके नाम पर अकाउंट्स ओपन थे, वो लोग जिन्होंने इन अकाउंट्स में पैसा जमा करवाए, वो लोग जिनके नाम अकाउंट्स के बेनिफिशरीज के तौर पर लिखे गए थे और चौथी कैटेगरी वो लोग थी जिनके नाम में क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चौथी कैटेगरी में फॉल करने वाले लोगों का नाम ECL पर प्लेस करने के लिए ऑर्डर किया, जबकि पिटिशनर का नाम इस कैटेगरी में नहीं था। इसका मतलब ये था कि पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ECL में नहीं थी, उनका नाम FIA की रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट ने ECL में डाला था। इसके बाद फेक अकाउंट्स केस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 16A के नीचे NAB को ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट ने नोट किया कि इन केसेस में इन्वॉल्व दो और लोगों को वन टाइम ट्रैवल करने की परमिशन दे दी गई थी और काफी लोगों ने अपने नाम ECL से निकलवा भी लिए थे। ये ट्रायल पिटिशनर के किसी फॉल्ट के बगैर डिले हो रहा था। पिटिशनर को पहले ही 3 साल ट्रैवल करना अलाउ नहीं किया गया था और अब उन पर फिर से 3 साल ट्रैवल करने की पाबंदी लग सकती है। ये पिटिशनर की आर्टिकल 15 की राइट की खिलाफ वर्जी था, खास तौर पर तब जब ये ट्रायल कंप्लीशन के पास भी नहीं था। इसीलिए पिटिशनर को वन टाइम ट्रैवल की परमिशन दे दी गई और यह पिटिशन अलाउ कर दी गई। काशिफ महमूद अगेंस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर्स। पिटिशनर्स ने दोनों फैमिली कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जजमेंट को चैलेंज किया है, जिनमें मेंटेनेंस अलाउंस की इंक्रीज की बात हो रही है। अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या अंडर अमेंडेड सेक्शन 17A सबसेक्शन 3 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सेड अमेंडमेंट की डेट से मेंटेनेंस अलाउंस पे 10% एनुअल इंक्रीज की इन्फोर्समेंट ऐसे केस में जहां मेंटेनेंस अलाउंस प्रायर टू द सेड अमेंडमेंट फिक्स हुआ हो वहां रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर कंसिडर हो सकता है और लिहाजा अनसस्टेनेबल इन लॉ। जस्टिस राहील कामरा ने कहा कि सेक्शन 17A3 एक बेनिफिशियल और रेमीडियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है
जिसको लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए। एक स्टैचुटरी प्रोविजन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वो एग्जिस्टिंग राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए अंडर अमेंडेड सेक्शन 17A(3) ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सेड अमेंडमेंट की डेट से मेंटेनेंस अलाउंस पे 10% एनुअल इंक्रीज की इन्फोर्समेंट ऐसे केस में जहाँ मेंटेनेंस अलाउंस प्रायर टू द सेड अमेंडमेंट फिक्स हुआ हो, वहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं कंसिडर हो सकता और लिहाजा सस्टेनेबल इन लॉ। अख्तर मीन वर्सेस द स्टेट, PLD 2022, सिंध 84। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस में अपेलेंट को एक स्पेशल कोर्ट ने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के तहत सेक्शन 6 और 9 के नीचे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक स्पाई की इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर अक्यूज्ड को चर्च ट्रांसपोर्ट करने के लिए अरेस्ट किया। फिर उन्होंने अगली सुबह अक्यूज्ड को रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और रिक्वेस्ट की कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाए। इस केस में कोर्ट के सामने मुतअद्दिद इश्यूज रखे गए। पहला इशू ये था कि क्या एक्साइज पुलिस कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के नीचे ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि SRO 787I ऑफ 2004, जिस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिलाय कर रहे थे, एक्साइज पुलिस को इजाजत नहीं देता कि वो CNS एक्ट 1997 के तहत ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करे। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिमिनल जेल अपील नंबर 144 ऑफ 2019 में ये कह दिया था कि ये नोटिफिकेशन मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज को ये इख्तियार नहीं देती कि वो दूसरी एजेंसीज की जुरिस्डिक्शन में फॉल करने वाली ऑफेंसेस के लिए लोगों को इन्वेस्टिगेट और डिटेन करे। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिंध अकबरी एक्ट 1878 के नीचे काम कर रहे थे और उनका पुलिस स्टेशन एक एक्साइज पुलिस स्टेशन के तौर पर नोटिफाइड था। CNS एक्ट के सेक्शन 27 के तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अक्यूज्ड को एक्साइज पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं कर सकते थे क्योंकि CNS एक्ट के सेक्शन 27(1) के नीचे अक्यूज्ड को एक लोकल पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर देना चाहिए था। उन्हें एक्साइज पुलिस स्टेशन में रखना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के खिलाफ वर्जी थी क्योंकि अक्यूज्ड को सिर्फ CNS एक्ट के नीचे ही ट्रीट करना चाहिए था। इस इशू पर कोर्ट ने यह भी क्लियरली कह दिया कि अगर CNS एक्ट के सेक्शंस 20 और 21 के नीचे अरेस्ट किए गए लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन या स्पेशल नारकोटिक्स वाले पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं रखा जाए तो ये अक्यूज्ड की इलीगल डिटेंशन होगी। सेकंड इशू ये था कि क्या अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन स्पाई की इन्फॉर्मेशन पर मबनी हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन की क्या वैल्यू होती है। इस इशू पर कोर्ट ने PLD 1976 SC 57 पर रिलाय करते हुए कहा कि जहां स्पाई या इन्फॉर्मर खुद अपनी एविडेंस सपोर्ट करने के लिए ना बुलाया जाए तो इस एविडेंस की वैल्यू इन्हांस नहीं हो सकती। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स के रिक्शे से चर्च बरामद की गई थी उसे CNS एक्ट 1997 के सेक्शन 7 और 8 के नीचे को अक्यूज के तौर पर शामिल करना चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ना तो रिक्शे के मालिक से तहकीक की और ना ही रिक्शा नंबर या मॉडल नोट डाउन किया। प्रोसिक्यूशन के केस में इन्हीं सब कमियों की वजह से और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के इलीगल बिहेवियर की वजह से इस अपील को अलाउ कर दिया गया। असद जावेद अगेंस्ट अहमद शाह, प्लेंटिफ ने सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट फाइल किया था और कंटेंड किया कि डिफेंडेंट ने उसे एक क्रॉस चेक इशू किया जो कि डिसऑनर हो गया फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस, जबकि डिफेंडेंट कंटेंड कर रहा था कि चेक प्लेंटिफ के भाई ने चोरी कर लिया था। जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाखेल और जस्टिस रोजी खान ने कहा कि बगैर मेकर के कंसेंट के चेक रिस्पोंडेंट की पोजेशन में कैसे आ सकता था, ना ही अपेलेंट की जानिब से कोई कोजेंट एविडेंस आया कि उसने कोई चेक इशू या साइन नहीं किया। रिकॉर्ड ये नहीं शो करता था कि चेक बुक में से कोई चेक फाड़ा गया है। प्लेंटिफ से सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंडर रेस प्रिजम्पशन रिबट ना हो सकी और लिहाजा अपील डिसमिस हो गई। लाहौर हाई कोर्ट, जिया हुसैन वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर्स। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर मेंटेनेंस अलाउंस में रिडक्शन चाहते थे, जबकि अपनी सेपरेट रिट पिटिशन में रिस्पोंडेंट्स ने अपनी मेंटेनेंस अलाउंस में इंक्रीज को चैलेंज किया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या अगर एक बाप या हस्बैंड अपनी इनकम डिस्क्लोज ना करे तो क्या इससे कोई मनफी इन्फ्लुएंस निकाली जा सकती है। दूसरा इशू ये था कि एक बच्चे के मुतालिक लफ्ज मेंटेनेंस को इंटरप्रेट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना चाहिए। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि कोई बाप या हस्बैंड मेंटेनेंस के इशू पर अगर अपनी सैलरी या फाइनेंशियल अर्निंग्स छुपाए तो उसके खिलाफ एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ की जाएगी। दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि ये फादर पर लाजमी है कि वह अपने बच्चों को तब तक मेंटेन करे जब तक वो एज ऑफ मेजॉरिटी रीच ना कर ले। सेपरेशन या डिवोर्स में बच्चों के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि डिवोर्स के बाद भी बच्चों को उनके पुराने
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर रखा जाए और इनकी एजुकेशन उसी स्टैंडर्ड पर कंटिन्यू की जाए, क्योंकि ये बात नामुनासिब है कि पेरेंट्स के डिवोर्स या सेपरेशन के बाद बच्चों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई कमी आए। इसीलिए मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त फादर के फाइनेंशियल स्टेटस को भी अकाउंट में लेना चाहिए। ये माइनर बच्चों का हक है कि उन्हें उनके फादर के फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक मेंटेन किया जाए, और इसके लिए लाजमी है कि फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड करते हुए फादर के माली हालात को अकाउंट में ज़रूर ले। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी इशू को PLD 2013 SC 557 में कंसिडर किया और ये कहा कि लव्स मेंटेनेंस को इंटरप्रेट करते हुए एक रीजनेबल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना चाहिए। इन्हीं सब इश्यूज की बेसिस पर कोर्ट ने इन रिट पिटिशंस को डिसमिस कर दिया और एपलेट कोर्ट ने जो मेंटेनेंस अवार्ड की थी उसे अब होल्ड किया। साई युआन नी नईम एंड कंपनी अगेंस्ट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर एंड अदर्स। इस केस में पिटिशनर कंपनी ने रिस्पोंडेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया था और अपनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज की रिकवरी सीक कर रहे थे फॉरेन करेंसी और पाकिस्तानी रुपीज़ में, जबकि रिस्पोंडेंट ने प्ली रेज की कि अमाउंट ऑन रिसीप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम अनदर गवर्नमेंट एंटिटी पे होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अनदर गवर्नमेंट एंटिटी की कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी पिटिशनर के साथ और ना ही पिटिशनर प्रिवी था किसी अरेंजमेंट को बिटवीन रिस्पोंडेंट एंड अ गवर्नमेंट एंटिटी। कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी जो पेमेंट को इस रिक्वायरमेंट से सब्जेक्ट करे। हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट किया कि वो पिटिशनर को पेमेंट करें और लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन अलाउ हो गई। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।